किसी ने क्या खूब कहा है, ख्वाहिशें जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान उनके उतने ही जबरदस्त होते हैं। एक आदमी बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, भगवान की मूर्ति के सामने आकर के बैठ गया, अपने जीवन से त्रस्त, परेशान, घबराया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। भगवान के सामने वो बैठ जाता है और बोलता है, हे भगवान, जब तक आप मुझको प्रकट नहीं होगे तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। वो बैठा रहता है, सोचता रहता है, बहुत दुखी और परेशान होता है। उसकी तपस्या को देख करके भगवान सही में उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान उसे पूछते हैं, वत्स, क्या हुआ? मैं तेरी जो तपस्या उससे प्रसन्न हुआ, बोलो तुम क्या मांगते हो? वो भगवान से बोलता है, भगवान, मैं बहुत परेशान, बहुत दुखी हूँ, क्या करूँ इस जीवन में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ पता नहीं मुझे करना क्या है। भगवान सिंपल से उसको एक लाल कलर की मूर्ति देते हैं, एक सिंपल सी मूर्ति देते हैं, और भगवान बोलते हैं, जा इसको मार्केट में तू सेल करके आ, और शाम को मेरे को वापस आके मिलना, इसकी वैल्यू पता करके आ और मेरे को वापस शाम को मिलना। वो चला जाता है मार्केट में। मार्केट में वो जाता है, फल वाले से मिलता है, फल वाले से बोलता है, भैया जी ये मूर्ति आप लोगे? भैया जी बोलते हैं, हाँ मैं ले लूँगा, अच्छी लग रही है, बट मैं आपको इसमें 10 किलो सेब ही दे सकता हूँ बस। वो बोलता है, ठीक है भैया, थैंक यू। वो आगे चला जाता है, वो सब्जी वाले के पास जाता है, सब्जी वाले से बोलता है, भैया भैया ये मूर्ति आप लोगे, ले सकते हो? सब्जी वाला बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल लूँगा, मैं आपको इसमें 5 कट्टे आलू के दे दूँगा बस, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता प्लीज़। वो बोलता है, ठीक है भैया, थैंक यू। वो आगे चला जाता है। चलते चलते वो जाता है सुनार की दुकान में, सुनार की दुकान से बोलता है, भैया जी, सुनार जी ये मूर्ति आप लोगे? बोलता है, हाँ ये तो बहुत अच्छी है, मैं इसके तुम्हें 50 लाख दे सकता हूँ बस। वो हैरान हो जाता है, वो इंसान हैरान हो जाता है और बोलता है, 50 लाख, इतनी कीमत इसकी? तो बोलता है, ठीक है भैया, थैंक यू। वो बोलते, नहीं ले लो, मैं तुम्हें इसका 1 करोड़ दे दूंगा, लेकिन ले लो। बोलता है, नहीं, मुझे बेचना नहीं है। वो आगे चला जाता है, थोड़ी दूर जाता है हीरे की दुकान में, हीरे की दुकान में जाता है, बोलता है, इसको ले सकते हैं आप? इसकी वैल्यू क्या है बताओ? बोलता है, इसको मैं तुम्हें 10 करोड़ दे दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। बोलता है, नहीं मुझे बेचना नहीं है। वो फिर वहाँ से निकल करके आगे चला जाता है, एक अनमोल रत्न की दुकान में जाता है, और वहाँ पे जाकर वो बोलता है कि साहब इसको आप ले सकते हो क्या? वो बोलते हैं, तो बहुत ही अनमोल रत्न है, मैं इसका क्या करूँगा, ये तो मुझे, मतलब तुम्हें जो चाहिए दुकान में तुम ले लो, अनमोल रत्न मुझे दे दो बस, तुम्हें जो कुछ चाहिए इस दुकान में, हीरो जवाहरात की दुकान थी, जो चाहिए वो उठा लो, कितने भी माल, कितना भी पैसा चाहिए सब ले लो, लेकिन मुझे मूर्ति दे दो। वो हैरान और पागल हो जाता है, और घबराते घबराते भगवान के पास शाम को पहुंच जाता है, वहीं पे जहां पे वो तपस्या करता है भगवान की, कि भगवान मैं इस जीवन से बहुत तृप्त हूँ, परेशान हूँ, क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान को जब वो देता है तो बोलता है, भगवान ये मूर्ति की इतनी वैल्यू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है? तो भगवान उसको वही बोलता है कि बेटा ये मूर्ति ये तुम हो, तुम्हें जीवन में कोई 10 रुपये के बराबर समझता है, कोई 1 करोड़ के बराबर समझता है, कोई लाखों करोड़ अरबों के बराबर समझता है, तुम्हें अपनी वैल्यू खुद पहचाननी है, खुद समझनी है, तुम एक वैल्यूएबल इंसान हो, ये तुम्हारा जो शरीर है इसको तुम जिस हिसाब से बनाते हो, जहाँ से तुम लेके जाते हो, जो इसकी वैल्यू बनाते हो, और जो तुम इसे कर सकते हो, एक स्टैंडर्ड लेवल को मेंटेन कर सकते हो, तुम्हारी वैल्यू तुम खुद बनाते हो। सो दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि आपका शरीर एक अनमोल रत्न है, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिए, इससे आप इतने बड़े बड़े अचीवमेंट कर सकेंगे कि लोग आपको सैल्यूट करेंगे, सलाम करेंगे। तो आप कुछ ऐसे माइलस्टोन, कुछ ऐसे टारगेट्स, कुछ ऐसे जीवन में कुछ ऐसे बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करिए कि लोग वैसा करना चाहें। तो दोस्तों, अंत में जाते जाते आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में करो कुछ ऐसा कि दुनिया चाहे करना वैसा और आपके जैसा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।